हेलो दोस्तों, आज हम स्विफ्ट की जो क्रैंक शाफ्ट वाली सील होती है गियर बॉक्स साइड, वो हम चेंज करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लीक थी। सबसे पहले हम इस सील को निकाल लेंगे, इसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जो सील है उसे निकाल लेंगे। इसमें जो देखा गया कि इसमें जो सीनियर कंपनी की सील होते हैं वो डली हुई थी, ये देखिए, ये जो सीनियर कंपनी की सील, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये हमें कभी भी नहीं डालनी चाहिए। और ये जो इसका फेस है, इसे अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर लिया है और इसमें सिर्फ MGP की ओरिजिनल जो मारुति की सील है वही डलेगी। इसके फेस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिए और जो इसके अंदर जो प्लास्टिक का ऑलरेडी ओरिजिनल सील में होता है उसे ऐसे ही डाल लेना है और थोड़ा सा ऑयल से लगा के उसको घुमा लेना है। और इसे क्रैंकशाफ्ट की ओर इसे लगा देना है, दूसरी ओर से हेल्पर की मदद से सीधा घुमा देना है इंजन को, धीरे धीरे घुमाते जाना है और आपकी सील है जो बिल्कुल प्रॉपर फिट हो जाएगी। और बाद में धीरे धीरे हथौड़ी से आगे उसके बराबर कर देना है। इसमें सिर्फ ओरिजिनल ही सील कामयाब होती है ब्रदर, जो सीनियर की सील है वो कभी भी कामयाब नहीं होती है। थैंक यू।